रंग में रंग जाऊं, मेरा यार मिला दे को। बलोरी बलोरी दिल की आवाज, ये आवाज आवाज कहां से आ रही है? आवाज फोन तो यहीं पड़ा है। ईशा का फोन यहाँ पे था। कुछ नहीं होता, मत इतना परेशान हो, मिल जाएगी वो ईशा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अरे बारे बात हो रही है। मेरा जब यह हासिल मकसद पूरा हो जाएगा चला जाऊंगा। इससे पहले कि मैं अपने गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर यहां से निकलवा दूं, दफा जा यहां से। बुड्ढे, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। टक टक टक। ओए ओ सर भैया, नखलफ इंसान। सुबह सुबह किसका फोन आ गया? हेलो हेलो उम्मे, खैरियत है दाऊद? इतनी सुबह फोन करती? नहीं, खैरियत नहीं है, शदीद परेशानी है। खैरियत नहीं है? क्या हुआ दाऊद, बोलो क्या हुआ? वो कल रात को हम लोग जब वापस आए तो रात को क्या मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। दाऊद उसे ढूंढो, जहां से मर्जी उसे ढूंढ के इस घर में आना। बच्चे बच्चे उमे, क्या हुआ शफिन? वो क्या हुआ? बाबा जान ठीक तो है? बाबा ठीक है। ईशल, ईशल किडनैप हो गई। ईशल किडनैप हो गई? कहां से, कैसे? वो सब लोग मिलके गए थे। ईशल वैसे है वो नीलम की कामी, लेकिन आतों में तौबा तौबा। हमारा खून आहिस्ता आहिस्ता आते भी हम जैसी हो जाए। वैसे अम्माजान आपने बहुत अच्छा किया जो आप ईशल को यहां ले। कैसे ना लेकर आती, मेरा खून कभी नहीं। क्या होगा उसे? किसे? जिसके बारे में तुम सोच रहे थे, कौन है वो? क्या नाम है उसका? ईशल, ईशल नाम है उसका। ईशल जी, वो किसी मसले में गिरफ्तार है। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों परेशान हूं, क्यों उसके बारे में सोच रहा हूं। समझ गया। क्या समझे आप? तुम इस वक्त यकीन और बेयकीनी की राह में भटक रहे हो, मगर कब तक
रास्ते से निकलना होगा। कैसा रास्ता? मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत समझ में आएगी ना। मोहब्बत नहीं हजरत, मुझे मोहब्बत नहीं हुई। अपना सामना करना सीखो, अपने आप से सच बोलो। हम जब किसी के करीब होने लगते हैं तो उसका सुख और दुख अपना लगने लगता है। अपने आप से सच बोलो, सच। ईशा बेबी, खाना। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? कोई तमाशा नहीं लगाया। और तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, या मैं बताऊं? नहीं जानना मुझे, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। तुम जैसे लोगों से ना मैं शदीद नफरत करती हूँ। अपनी बकवास बंद करो। नहीं करूंगी, क्या कर लोगी? मुझे तो अब तुम्हारी असलियत पता चली है। तमीज से बात करो लड़की, मैं रिश्ते में तुम्हारी नानी हूँ। नानी? जहां तक मैंने सुना था तो नानी तो माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाली है, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? क्यों मुझसे इस तरह मिल रही है? मेरा हर किसी के साथ मिलने का अपना कायदा अंदाज है, समझी तुम? और सुनो। जी बेगम साहब। इसे हमारी रिवायात के मुताबिक लिबास पहनाया जाए तो तरबियत तो तुम्हारी खुद ब खुद हो जाएगी। आप अगर मुझे मोहब्बत से गले लगाएंगी ना तो मेरी तरबियत आपके मुताबिक हो जाएगी। खोले इसके हाथ। जी आओ इधर हमारे करीब। तुम हमारी नमासी हो, किन सोचों में गुम हो गई? अब आओ। छोड़ दूं? अगर तू मेरी बहन की बेटी ना ना होती तो तेरी एक एक हड्डी पनाह मांगती मुझसे, समझी तुम? I hate you guys, I hate you. अरे चलो मेरे साथ, तुम्हें बताता हूँ I hate you का मतलब। That's great. बड़ी अच्छी डील हो गई है हमारी पर।
है ना शाफे, आजकल बड़े गुमगुम से रहने लगे हो। नहीं तो बस बाबा जान का मैसेज आया हुआ था, वो देख रहा था, और कुछ नहीं। कहते हैं कि दोस्तों से कुछ छुपाना गाली देने के बराबर होता है। हाँ तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि असल में बात क्या है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। शाफिन, आई जस्ट वांट टू लिसन। व्हाट? हकीकत क्या है? अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बर्तन धोकर ना वो उधर रख दीजिए, ठीक है? तुमने भी ये धोकर ना उधर रखना है। ये ग्लास वहां रख दीजिए, अच्छे से धोना, अच्छा साफ साफ धोना। बच्ची छोड़ दे बर्तन, जाओ जाके कुछ और काम देखो। जाओ तुम अपनी अम्मा से कहो बावर्ची खाने में खाना तैयार करें। जल्दी जाओ। क्यों अम्मा, कोई गलती हो गई? गलती? गलती तुमसे नहीं, जिससे हुई है सजा भी उसी को मिलेगी। कौन? आओ आओ। अरे रे रे रे, हमारी नवासी ईशल। हाँ रात बहुत रोई, बहुत चीखी चिल्लाई, हम पे कोई असर ही नहीं हुआ। हाँ अपने दादा की बहुत फिक्र हो रही थी हमारी नवासी। ओहो निकल गई सारी भड़ास। हाँ चलो अच्छा है। पत्थर भी सुना करते हैं। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें अपने दादा की जिंदगी नहीं चाहिए? हाँ क्या किया तुमने मेरे बाबा जान के साथ? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ क्या किया मेरे बाबा जान के साथ? अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन अगर कुछ कहा ना तो। अरे हमारा बेटा अनीस खान वही है ना शहर में? जी अम्मा। हमारी नवासी के दादा के पास? जी जी वही है। हाँ बाबा जान आप खफा हैं मुझसे? नहीं हूँ, आपसे मैं खफा नहीं हूँ, लेकिन ईशल से मैं बहुत ज्यादा खफा हूं। आप अच्छी तरह जानती हैं जब तक मैं ईशल से बात ना कर लूं मुझे ठीक से नींद नहीं आती है, और पिछले दो दिन हो गए उसने मेरे साथ एक दफा बात नहीं की। बाबा जान वो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो क्या उसके गेस्ट हाउस के बाहर जेमर्स लगे हुए हैं? बाबा जान रात को आप सो गए थे तो कॉल आई थी ईशल की, मेरी बात हुई थी उससे, कहीं दूर जाकर बात उसने की थी। तो बेटा आप मुझे उठा लेती ना? अब मैं तो आपसे बात करवाने के लिए ला रही थी फोन, लेकिन वो उसने ही मना कर दिया कि बाबा जान को सोने दें, मैं सुबह बात कर लूंगी। मेरा ख्याल है मेरा मोबाइल बाहर पड़ा हुआ है, आप यूं कीजिए कि मेरा मोबाइल बाहर से ला के दे दीजिए, ऐसा ना हो कि उसकी दोबारा कॉल आए और मेरे पास मेरा मोबाइल फोन ना हो। आप जी बाबा जान मैं लेकर आती हूँ फोन।
या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा, हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे, आप गैब से उसकी मदद फरमा दे। अल्लाह पाक आप तो 70 माह से ज्यादा रहीम है, करीम है, मेरी बच्ची की हर तकलीफ को दूर फरमा दे। इलाही उसकी हिफाजत करे, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भाई को क्या बोले कहूंगी, उसकी मदद करे या अल्लाह उसकी मदद करे। कब जा रहे हो सफर पर? सफर पर मैं तो कहीं पे भी नहीं जा रहा। तुम्हारा दोस्त कब से बैठा है तुम्हारे इंतजार में तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए? देखिए मैं इस तरह सारा काम छोड़ कर नहीं जा सकता। अरे काम को छोड़ो तुम, सब हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। यही सही वक्त है तुम्हारे जाने के लिए, जाओ जाकर तैयारी करो। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। आपने आज से पहले तो कभी इस तरह नहीं कहा, तो आज क्यों? बेटा कुछ सवालों के जवाब वक्त दिया करता है, क्या जाकर तैयारी। जी तेरा अल्लाह तुम्हें खुश या अस्सलामुअलैकुम उम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं हुई अभी? नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। झूठ मत बोलो दाऊद, मुझे शांसे ने बताया कि बहुत टेम्परेचर है तुम्हें। नहीं अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आई एम परफेक्टली फाइन। बहरहाल दाऊद मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम लोग वापस आओ आज ही। लेकिन बाबा जान। बाबा जान को बताना पड़ेगा हमें और ईशल को मिलकर ढूंढना पड़ेगा, तुम लोग वापस आओ आज ही। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम दाऊद बेटा, कैसे हैं आप? And how was your conference? Excellent बाबा जान, माशाल्लाह। Good, that's good. अमीन, इशल कहाँ है? सो रही है क्या? वो बाबा जान इशल। बाबा जान वो आप ही की पोती है, वो आई नहीं हमारे साथ। क्यों नहीं आई वापस साथ? वो तो मुझे खुद नहीं पता यार। हद होगी, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पता? उसको आपकी तरह कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की आदत है। लेकिन बेटा है कहाँ वो? ये तो मुझे भी नहीं पता। हद होगी भाई, क्यों नहीं पता तुम्हें? उसने किसी को बताना पसंद ही नहीं किया। अरे भाई क्यों बताना पसंद नहीं किया, कहाँ गई है? कुछ तो बताया होगा उसने। पता नहीं बाबा जान, उसकी मेज पर खत पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम लोगों की नजरों से पाकिस्तान नहीं देखना चाहती, मैं जा रही हूँ और मैं अपनी मर्जी से वापस आऊंगी और मैं किसी से कोई राबता नहीं रखूंगी। लेकिन तुम लोगों को मुझे तो बताना चाहिए था ना, मुझसे क्यों छुपाई ये बात? बाबा जान हमें तो खुद समझ नहीं आई, शायद ईशल ने ये कदम गुस्से में उठाया। लेकिन कितने दिन हो गए उसे गए हुए? बाबा जान प्लीज आप बैठ कर बात करें। नहीं दाऊद ये कोई तरीका नहीं है, वो गई कहाँ? उसे तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ का। लेकिन बाबा जान उसको तो आदत है अकेले ट्रैवल करने की, आपको तो पता है वो पूरा यूरोप अकेले घूम कर आई है। बेटा वहां का एनवायरनमेंट कुछ और है, यहाँ की बात कुछ और है। तुम लोगों ने ये बात मुझसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं खुद तलाश कर लेता हूँ उसे। तेरा फोन कहाँ है? मैं खुद करता हूँ बात किसी से, तलाश कर लूंगा मैं इशल को। मेरा फोन कहाँ है?
बाबा जान, मैं करता हूँ बात किसी से। बाबा जान प्लीज, बाबा जान, बाबा जान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बस आपकी दुआएं। तो फिर कल सफर का इरादा है? जी, अगर आप इजाजत दें तो। शायद ये तुम्हारी जिंदगी का मुश्किल तरीन सफर होगा। तो क्या मुझे जाना चाहिए? जाना चाहिए, जाना है, जाना है, बस हिम्मत और सब्र से काम ले। लेकिन घर से निकलने से घर वापस आने तक लेकिन जहन में मत लाना। फिर अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर तवक्कल और फैसला दिल के मुताबिक करना। लेकिन कैसा फैसला? मैंने कहा ना, इस मरतबा लेकिन नहीं, दिल का फैसला मानना। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। दुआ ही दुआ है, दुआ ही दुआ है। जीते रहो, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं बाबा जान से मिल सकता हूँ? दरवाजे किसने खोले? जी वो उमेश जी, मैंने खोला था जी। बाबा जान जाग रहे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं, आराम कर रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। रुको, देखती हूँ मैं। आए आए ना बेटा, आए आप, आए, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ। बाबा जान, शाफिन आया। बुलाओ, अंदर बुलाओ। आ जाओ शाफिन। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी तबीयत है बाबा? जब तक दिखी है। देखें, आप ऐसी बातें मत किया करें प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे ये सब सुनना। शफिन बेटा, जिंदगी से लड़ते लड़ते हार क्या? क्या मतलब? ईशल मुझे इस उम्र के हिस्से में छोड़कर चली गई। ईशल चली गई, मगर कहां पे? सबको बताए बगैर के चली गई। देखिए आप परेशान मत हो, आप अल्लाह पे भरोसा रखें, ईशल बहुत समझदार है, वो वापस आ जाएंगे। अल्लाह करे। लेकिन यार, ईशल अच्छी तरह जानती है कि मैं उसके लिए कितना परेशान हूं, उसे कम से कम सोचना तो चाहिए था ना। देखिए, लेकिन हो सकता है कि उनके इस सफर से वो काम हो जाए जो आप करना चाहते हैं। शाफिन बेटे, क्या मतलब है? आप ये चाहते हैं कि वो हमारे कल्चर को अपना ले, पाकिस्तान से मोहब्बत करे, तो क्या पता ये मुमकिन हो जाए। हाँ, ये तो है। देखें, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो। लेकिन वो आपको मुझ पर एतमाद है बेटा? तू ही तो है जिस पर मैं इतबार कर सकता। तो बाबा जान मेरी बात पे यकीन करे, ईशल जहां भी होंगी वो बिल्कुल ठीक होंगी। अल्लाह करे
वैसे मैंने आपको एक बात बतानी है। शाफिन बेटा क्या मतलब है? मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ शहर से बाहर। मेरा एक दोस्त है, उसका कोई पर्सनल काम है, उसकी हेल्प कर। ठीक है, अल्लाह करे वहाँ तुम्हें मिल जाए इंशाल्लाह। अगर इस सफर के दौरान मैं मिशेल वापस नहीं आए तो मेरा आपसे वादा है, वापस आते ही आपके साथ ही शिरकत हो, आई प्रॉमिस। इंशाल्लाह। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप दोबारा इतने परेशान नहीं होंगे। आप मुझे इस तरह अच्छे नहीं लगते, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, आप समझ रहे मेरी बात? बाकी अल्लाह हमारे साथ। मैं कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिए। आ जाए अम्मा चाय पी लें। इतनी देर लगा दी चाय लाने में, रखो वहां। चाय पी अरे अम्मा मुबारक हो, अनीस खान आ रहा है शाम को। ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कब आ रहा है वो? पहुंचेगा तो रात तक ही, लेकिन जो ज्यादा खुशी की बात है वो ये कि उसका दोस्त भी साथ आ रहा है। अब कौन, शाफिन? जी अम्मा। भाई हद कर दी अनीस खान ने, पहले बताना चाहिए था ना, शाफिन पहली दफा इस घर में आ रहा है, अनीस खान को बताना चाहिए था ना। मेरे साथ भी उसने कोई जिक्र नहीं किया कि वो कब आ रहा है। सब इंतजाम हो जाएगा अम्मा, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ हवेली में जश्न का बंदोबस्त करूँ। बहुत दिन हो गए हवेली का माहौल बड़ा अजीब सा हो गया। बहुत अच्छी बात है, अब इंतजाम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे अम्मा आप फिक्र ही ना करें, अनीस खान और इस हवेली की इज्जत का सवाल है।